गाइस, वेलकम बैक टू आर माय चैनल अन्न ब्लॉग। तो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में मेरे। और मेरा वीडियो डेली नहीं बना पाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे इतना सारा काम ही हो जाता है कि मैं वीडियो शूट करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो कहाँ से वीडियो आएगा गाइस। तो आज संडे है, तो मैंने कहा आज तो टाइम है गाइस, तो आज तो ब्लॉग बनाना बनता है। तो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ मटन कड़ी, और उसकी रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसा बनाती हूँ। तो आज की वीडियो पर बने रहो, मैं मटन कैसे बनाती हूँ आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आज मैं सोची ब्लॉग पूरा शूट करने के लिए, तो वैसे ही लाइट गोल हो गया, तो मैं खिड़की के पास बैठ के और वीडियो बना रही हूँ। और लाइट अभी गोल हो गया, अब लाइट आएगा उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ। तो मिलती हूँ गाइस किचन में जाके। लाइट आ चुका है और फटाफट से चलते हैं, और मैं जल्दी से मटन बना लेती हूँ क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं और मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, हम सीधा खाना ही खाते हैं। तो अभी मैं फटाफट से बना लेती हूँ वापस से, क्योंकि लाइट बार बार आ रहा है जा रहा है। और मैं मसाला भी पहले ही तैयार करके रख दी थी, तो मैं मसाले में क्या क्या तैयार करके रखी हूँ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस पे मैंने डाल दिए थे सारे मसाले सूखे वाले, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री वगैरह सारी चीज़, और अदरक लहसुन भी, और लाल मिर्ची का ये मैंने इसको पेस्ट बना लिया था। और प्याज को मैं ऐसे ही पीसती हूँ गाइस, क्योंकि अच्छे से भून नहीं पाता है और ये कढ़ाई पे या कुकर पे चिपक जाता है। तो आप कभी भी ऐसा डालकर देखिएगा तो इसकी ग्रेवी भी काफ़ी अच्छी आती है। तो अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो। सरसों तेल अगर आप डाल रहे हो तो उसे काफ़ी अच्छे से हीट करने देना, क्योंकि अगर वो अच्छे से हीट नहीं होता है ना, तो उसका वो जो कच्चापन होता है ना, वो मटन पे लगता है थोड़ा सा, तो उसको थोड़ा ज़्यादा हीट होने देना। तो यहाँ पे मैंने 2-3 तेज़पत्ते लिए हुए हैं जिसको मैंने ऐड कर दिए हैं, और ये प्याज जिसको मैं बहुत ज़्यादा भूनने में देती हूँ। यहाँ पे मैं 1 चम्मच जितना हल्दी ले रही हूँ, 1 चम्मच से थोड़ा कम है। और ये सूखी वाली धनिया है, तो चम्मच ही ले रही हूँ, कम हल्की है, तो ऐसे ही निकाल लेती हूँ। तो ये वाली सूखी वाली धनिया है, ये तो धनिया में पीसी नहीं, इसलिए थोड़ा इसको ज़्यादा ही ऐड कर रही हूँ। सूखी वाली धनिया थी नहीं, तो ये पाउडर वाली डाल रही हूँ। और मुझे लगता है मेरी सब्जी इसकी भी ना अधूरी है, तभी ख़त्म हो गया, तो मैं छोटी वाली पैकेट लेकर आई हूँ। मैं ये ज़रूर डालती हूँ क्योंकि इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है, तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये मैं कास्ट मेरी मिर्ची थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ, और ये वाली मिर्ची भी डाल रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा तीखी है, तो इसको मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने सूखी वाली मिर्ची थोड़ी सी पीस रखी है, तो इसमें मैं कम डालूंगी। बट मटन थोड़ा तीखा ही अच्छा लगता है, पर हमारे घर पे हम लोग ज़्यादा तीखा नहीं खाते, हम लोग कम तीखा खाते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा। तो कभी कभी जब लेट होता है ना, तो बहुत सारे कांड होते हैं। अभी मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा था, और अभी बिल्कुल सिलेंडर ख़त्म हो गया है, तो इसमें ही 10 मिनट चला जाएगा। और जब लेट, सच्ची में कभी कभी सोचो ना कि ये चीज़ बहुत मन से करना है, तो उसी दिन ही कुछ ना कुछ होना होता है, तो अभी 10 मिनट इसमें बर्बाद होगा। ऑलमोस्ट अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने जो मसाले पीस के रखे हैं, अदरक, लहसुन और सारे मसाले, इसको जो मैं ऐड कर दे रही हूँ, इसको भी अच्छे से भून लेना है। साथ में ही मैं सूखे वाले भी मसाले ऐड कर रही हूँ जो मैंने निकाले थे, हल्दी, नमक, मिर्ची, वो भी ऐड कर दे रही हूँ। और इसमें मैंने 2 मीट मसाला भी ऐड किया हुआ है, आप वो डाल लेना, आपका मन हो तो डालो, अगर आप सारे मसाले घर पर ही डाल रहे हो तो भी अच्छी बात है। बट आज 1 पैकेट में ये ज़रूर भी डाल देती हूँ, मुझे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि आप अच्छे से भूनेंगे उसके बाद इसमें मसाला मटन ऐड करेंगे। इस मटन के लिए मसाला अच्छे से भूनना चाहिए, इस तरह से ऑयल बाहर आ जाना चाहिए, तब ये मसाला अच्छे से भून गया है। लेकिन मैं ये भून जरूर गया है, लेकिन इसे मैं और अच्छे से थोड़ा देर भून, मैंने पहले से ही वॉश करके रख दिए थे। अच्छे से भूनना है बहुत देर तक का, सारे मसाले ही सब भुनाएगा ना, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस, इसी टाइप पे आपको धनिया ऐड कर देना, ये मसाले में और मटन में अच्छे से मिल जाएगा, तो और अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अब इसमें चला देती हूँ और इसे धीमी आँच पे छोड़ दूंगी मैं।
तो गाइस मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ दूंगी, अच्छे से ये भूनता रहेगा जब तक मैं अपने सारे काम निपटा ही देती हूँ। और इसके साथ मैं राइस बनाऊंगी, शादी राइस बनाऊंगी, जीरा राइस नहीं करूंगी क्योंकि मेरी बेटी खाती नहीं है। तो इस मटन तो काफ़ी अच्छे से भुन गया है, इसमें से सारा ऑयल बाहर आ गया है, मसाला भी अच्छे से भुन गया है। तो अभी इसमें मैं पानी डालकर इसको 6 सीटी लगा लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि मटन कैसा बना है। मैंने इसे पानी डाल दिया है, अच्छे से भुन चुका है। अब इस पर मैं 6 सीटी लगा लूँगी और फिर दिखाती हूँ कैसा मटन हुआ है गाइस। तो अब इसका कुकर का ढक्कन लगाती हूँ। इस मटन हो चुका है रेडी, अब मैं खोल रही हूँ। देखो बन गया ना एकदम टेस्टी सा। तो इसकी ग्रेवी भी काफ़ी अच्छी हुई है, जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए थी। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ये अच्छे से पक चुका है कि नहीं। बहुत गर्म है यार, हाँ भैया काफ़ी अच्छे से पक चुका है गाइस। अब इसमें मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, नमक वगैरह सब खाने के टाइम पे ही देखना है। यहाँ पे थोड़ी सी धनिया बची हुई है जिसको मैं इसके साथ ही ऐड कर दूंगी। अब चलते हैं खाना खाने क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। मेरा खाना भी मैंने निकाल लिया है और अनाया के पापा खा रही है और मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं तो चली खाना खाने। गाइस तो आज का वीडियो इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आज का वीडियो कैसा था और मटन करी की रेसिपी कैसी थी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।